सुबह उठते ही बोले ये दो शब्द, मुंह से निकली हर एक मनोकामना होगी पूरी, बस कर ले ये एक काम। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं के कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिसके कारण आपके घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो महिलाओं को आज ही ये गलतियां छोड़ देनी चाहिए। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में नकारात्मकता को नष्ट करना चाहते हैं तो सुबह के समय क्या एक काम है जो महिलाओं को जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि पिछले कई दिनों से आपके घर में सब कुछ गलत हो रहा है, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें असफलता मिलती जा रही है, जो भी हो रहा है वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, आपको अपने ही घर में घुटन सी होने लगी है और मन करता है सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, हर तरफ बस नकारात्मकता का वातावरण बना हुआ रहता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता और मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, कभी परिवार की चिंता तो कभी व्यवसाय की। आप इन सभी चिंता और परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं, बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो हम आपको बताने वाले हैं। आपको बस बोलने हैं कुछ शब्द और वो भी सुबह उठने के तुरंत बाद। हम सभी भगवान शंकर की कृपा दृष्टि चाहते हैं। यदि आप भी उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो सुबह उठने के बाद आपको बोलने हैं बस ये दो शब्द। इन दो शब्द में इतनी चमत्कारी शक्ति है कि ये आपके जीवन से संपूर्ण नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर सकते हैं और आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकते हैं। बस भक्ति पूर्वक भाव से ये दो शब्द बोले और भगवान शंकर आपकी इच्छा पूरी कर देंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन शब्दों के बोलने से बिना पूजा पाठ किए ही आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप ये दो शब्द अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को अवश्य बताएं और उन्हें सुबह उठते के तुरंत बाद इन दो अक्षर के मंत्र को बोलने के लिए कहें। ये मंत्र उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव लाकर आ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं भगवान शिव शंकर ने ऐसे कौन से मंत्र के बारे में बताया है जो इतना शक्तिशाली है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों भगवान शिव शंकर और माता गौरी हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और उन्हें जीवन की हर खुशी देने का प्रयास करते हैं। आप उन्हें प्रसन्न करें और जीवन की हर खुशी को पाले और सफलता की ऊंचाइयों को छू ले। सुबह उठने के बाद आप भगवान शिव शंकर के इस मंत्र का जाप अवश्य करें, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो या बेशक विद्यार्थी ही हो। इन चमत्कारी शब्दों का जाप करके आप कई प्रकार के लाभ पा सकते हैं। इन शब्दों के जाप से आप मानसिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत और तीक्ष्ण हो जाएंगे। जो विद्यार्थी इन शब्दों का जाप करेंगे उनके मन में नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे और उनका मन पढ़ाई में और भी अधिक लगेगा। महिलाएं यदि सुबह उठते ही इस मंत्र का जाप करेंगी तो उनका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। सुबह सिर्फ ये शब्द बोले और उनका चमत्कार स्वयं महसूस करें। आप जानते हैं कि मंत्रों में कितनी शक्ति होती है। कुछ मंत्र इतने चमत्कारी और शक्तिशाली होते हैं कि उनका जाप करने मात्र से व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। आइए जान लेते हैं इस मंत्र का जाप कैसे करना है। सुबह उठते ही सबसे पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अपना घर स्वच्छ और साफ करना चाहिए। साफ सफाई करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साफ सफाई करने के पश्चात मनुष्य को स्नान आदि करके स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। जिन वस्त्रों को धारण करके सोते हैं उन्हें स्नान करने के बाद भूल से भी नहीं पहनना चाहिए। फिर उसके बाद आप एक आसन पर बैठकर भगवान शंकर द्वारा बताए गए इस छोटे से मंत्र का जाप अवश्य करें। ये मंत्र है ओम झूम सह। इसे लघु महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है। इस मंत्र के उच्चारण मात्र से आपके कुंडली के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो इस मंत्र के जाप से आपका व्यापार भी अच्छे तरीके से चलने लगेगा। यदि किसी कन्या के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं तो उन्हें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस चमत्कारी मंत्र के जाप से उनके विवाह में आ रही बाधाएं भी समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा नित्य सुबह उठने के तुरंत बाद अपने हथेलियों के दर्शन करते हुए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम।
इस मंत्र का अर्थ है कि हमारे हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी का वास, मध्यम में सरस्वती और मूल भाग में श्री गोविंद का वास होता है। आप चाहे तो नित्य सुबह इन दोनों का मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव महसूस होंगे। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवारती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो महिलाओं के करने से उनके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कई काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? अगर महिलाएं इन कामों को करती हैं तो उससे घर में दरिद्रता आती है और घर में सदा धनाभाव बना रहता है। आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन से काम नहीं करने चाहिए। नंबर एक, घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये काम हमेशा सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्यास्त के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर दो, कंघी करना। सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम को बालों में कंघी करने से बचे, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो जाती है। नंबर तीन, खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर चार, नहाना। घर की सफाई के बाद महिलाओं को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती हैं। नंबर पाँच, क्रोध करना। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। नंबर छह, झाड़ू को ना मारे पैर। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। जिस घर में महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती हैं, वहाँ कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उस घर में दरिद्रता छाई रहती है। वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि घर की महिलाओं को ये काम कभी नहीं करना चाहिए। नंबर सात, ना रखे झूठे बर्तन। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में झूठा रखकर ही सोने चली जाती हैं। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करती हैं, तो ऐसे घर में भी लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। ये गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर आठ, किसी को भी ना दे सिंदूर दानी। सुहागन महिलाएं कभी भी अपने सिंदूर को जिस भी डिब्बी में या सिंदूर दानी में आप सिंदूर लगाती हैं, वो आपको किसी को भी नहीं देना चाहिए। और सिंदूर जब भी आप लगाएं तो अकेले में सिर पर पल्ला ढककर लगाएं। सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में पहनी हुई चूड़ियां और पैर में पहनी हुई पायल को भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस तरह अपने माथे की बिंदी भी किसी और को नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा घर में सकारात्मकता का वास हो, इसके लिए महिलाओं को ये कुछ कार्य जरूर कर लेने चाहिए। सुबह घर की सफाई के उपरांत हल्दी को जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास तथा शांति भी बनी रहेगी। इसी प्रकार घर में सफाई करने के उपरांत गंगा जल के छिड़काव से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और वास्तु दोष भागता है। दोस्तों, गलत दिशा में रखी गई धार्मिक पुस्तकें वास्तु दोष का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार धार्मिक पुस्तकों को और ग्रंथों को हमेशा पश्चिम की तरफ ही रखना चाहिए। किसी दूसरी दिशा में बेड के अंदर अथवा गद्दे या तकिए के नीचे धार्मिक पुस्तकें रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, अपने घर के मंदिर में एक दीपक नियमित जलाएं तथा घंटी भी बजानी चाहिए, जिससे सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकलती है। इसी तरह घर में शंख रखने और बजाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है। घर में पूजा स्थल में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए पुष्प एवं हार दूसरे दिन हटा देने चाहिए और भगवान को नए पुष्प एवं हार अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार पूजा घर में देवताओं के चित्र भूलकर भी आमने सामने नहीं रखने चाहिए, इससे भी बड़ा वास्तु दोष उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, ये थी वो जानकारी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।